हाँ जी, तो अगर आप लोग जेएमआई में एडमिशन लेना चाहते हो, मीन्स जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम लोग उसकी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म, जो जामिया की सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आती है, जब आप लोग सीयूईटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि आपको उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी होती है। तो उसके अगर हम लोग बात करें, तो उसके लिए जो जामिया की एप्लीकेशन फॉर्म थी ऑलरेडी अप्रैल में ही रिलीज हो गई थी, तो कुछ बच्चे ने फिलअप किया था, बहुत सारे बच्चे मिस भी कर देते क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आगे जाके उन्हें जामिया की भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करनी थी, या फिर उन्हें कोई नोटिस वगैरह नहीं मिली। क्योंकि जब जामिया की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुई थी, जब आप लोग की सीयूईटी की एप्लीकेशन फॉर्म आई थी, उसी के कुछ दिनों बाद जो जामिया की भी एप्लीकेशन फॉर्म थी वो भी रिलीज हो गई थी। तो अगर हम लोग बात करें, तो सेम लास्ट ईयर भी जामिया ने ऐसा ही किया था, उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म थी वो सीयूईटी यूजी के साथ ही आ गई थी। तो अगर हम लोग बात करें, तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो थी उसे ओपन कर दिया था, तो फिर से रीओपन हो गई थी। एंड करीब 2 बार उन्होंने फिर से रीओपन किया था 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि एक बार तो ओपन किया था तो बहुत सारे कैंडिडेट ने फिलअप कर दिया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से स्टूडेंट थे, उन्होंने फिर से उन्हें ईमेल किया, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने फिर से ओपन कर दिया। तो 2 बार लास्ट ईयर ओपन हुई थी रीओपन, जो आप लोग की जामिया की एप्लीकेशन फॉर्म थी। तो जो जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये मेल मिल जाएगी, आप लोग ये मेल पर भी अपनी रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो, अपनी रीजन वगैरह के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों आपने फिलअप नहीं किया। बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं रहते इसीलिए। एंड दूसरी जो मेल आईडी है वो cc@jmi.ac.in है, इस पर भी आप लोग मेल कर सकते हो। तो ये 2 मेल आईडी है, दोनों पे आप लोग ईमेल कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को ईमेल लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग ChatGPT से भी ईमेल लिख सकते हो एंड बाद में उसमें कुछ एडिट कर सकते हो एंड उसके बाद उसे ही सेंड कर सकते हो। तो ये 2 मेल आईडी पे आप लोग सेंड कर सकते हो। उसके बाद में भी जो जामिया के VC हैं वो फिर से आप लोग की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिर से रीओपन कर दे, तो वो जो नोटिस होगी वो भी जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। एंड अगर बहुत सारे कैंडिडेट रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक मैं भी एक मेल डाल दूंगा, तो आप सब भी डाल सकते हो अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है। एंड अगर नहीं भी लेना फिर भी आप लोग डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अगर कैंडिडेट डालेंगे तो वो रीओपन हो जाएगी। लाइक लास्ट ईयर बात करें, तो लास्ट ईयर भी लगभग 1 to 2000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मेल डाला, प्लस उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट वगैरह किया था, मेल किया था, तो उन्होंने ओपन कर दिया। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इस ईयर भी अगर आप लोग मेल करोगे एंड रिक्वेस्ट करोगे, तो अभी आप लोग की CET UG की रिजल्ट ही आई है, तो वो फिर से ओपन कर देंगे 2-3 दिनों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भी साथ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो एंड जामिया की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।